भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी एमएस धोनी के संन्यास लेने के कुछ देर बाद ही सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। सुरेश रैना ने अपने इंस्टाग्राम पर एमएस धोनी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि वो उनके इस सफर में भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर लगे ताले को देखकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह बिफर पड़े। संजय सिंह ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए उनकी कड़ी निंदा की है। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री चेतन चौहान की मौत हो गई। कोरोना से संक्रमित होने के बाद चेतन चौहान को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मेदांता हॉस्पिटल में ही इलाज के दौरान उनकी किडनी फेल होने के चलते रविवार को उनका निधन हो गया। सुल्तानपुर जिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट सेवा और कोरोना काल में पूरी लगन से काम करने के लिए जिले के 4 थाना अध्यक्षों को सेवा पदक देने की घोषणा की। इनमें अखिलेश सिंह, अरविंद सिंह, अजय प्रताप यादव और शिव कुमार के नाम शामिल है। सुल्तानपुर जिले में थाना बल्दीराय क्षेत्र में पार्टी कार्यालय पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान राजेश मौर्य, ननकौ साहू और उमेश अग्रहरी समेत कई लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर जिले में थाना बल्दीराय क्षेत्र के नंदरई गाँव में सांप के डसने से एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल परिवार में मातम छाया हुआ है। सुल्तानपुर के बल्दीराय में जमील अहमद की निर्माणाधीन मिल परिसर में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति विजेंद्र सिंह ने नीलम प्रजाति का पौधा लगाया और इसी के साथ उन्होंने सभी को पेड़ लगाने के संदेश दिए। अमेठी में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह मां कालिका धाम कालिकन के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ अमेठी पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह, उप पुलिस उपाधीक्षक पीयूष कांत राय सहित भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। अमेठी में भेजे गए 484 कोरोना के सैंपल्स में 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं आंकड़ों की माने तो जिले में अब तक कोरोना के 794 केस सामने आ चुके हैं। अमेठी जिले में थाना जगदीशपुर क्षेत्र के सरेसर गांव में बीती रात सांप के डसने से 13 साल की नाबालिग की मौत हो गई। फिलहाल परिवार में मातम छाया हुआ है। अमेठी जिले में थाना जगदीशपुर क्षेत्र के माहे मऊ गांव में युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल इन बदमाशों ने दो दिन तक एक युवती को बंधक बनाकर लगातार दुष्कर्म किया था, जिसके बाद जैसे तैसे पीड़िता थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। अमेठी जिले के थाना जगदीशपुर क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक लड़की के साथ गाँव के ही कुछ दबंगों ने दुष्कर्म किया और फिर उसे खेत में फेंक के भाग गए। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस से शिकायत करते हुए मामले पर कार्रवाई की मांग की है। अमेठी जिले के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हाईवे पर लगी लाइट नहीं जल रही, जिससे वहां से आने जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेठी में पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बिना किसी नोटिस के ही थाना परिसर, कार्यालय और मेस समेत कई अन्य जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने की साफ सफाई और अन्य चीजों का अच्छे से मुआयना किया। अमेठी में मुंशीगंज थाना क्षेत्र की ममता स्टील फैक्ट्री के पास से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गांव में ही इन चारों ने मामूली विकास होने में विद्याधर नाम के शख्स को पीट दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस तभी से इनकी तलाश में जुटी थी। अयोध्या में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में ड्यूटी देने जा रहे दरोगा को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। रौनाही थाना क्षेत्र के चिर्रा जगनपुर गाँव में हुए इस हादसे में SI बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। अयोध्या में रामलला के मंदिर की भव्यता और मजबूती के लिए 5 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत की जा रही है। इसमें देव शिल्पी विश्वकर्मा का आह्वान किया जा रहा है। अनुष्ठानकर्ता रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम का कहना है कि राम मंदिर के 10,000 वर्षों तक टिकने की कामना की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में रानीगंज कोतवाली के अंतर्गत शेखपुर गाँव में पंचायत के दौरान बेखौफ दबंगों ने पिता और बेटे पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले के दौरान पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। बहराइच में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट में आयोजित समारोह को प्रभारी जिलाधिकारी कविता मीना ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनगिनत अमर सेनानियों के बलिदान का ही नतीजा है कि हमको आज़ादी मिल सकी है। बहराइच जिले में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म पर SP विपिन मिश्रा की सख्ती और कार्रवाई पर उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। वहीं इस बीच उनके देश के प्रति प्रेम और पूरी निष्ठा के साथ काम करने की लगन को सराहा भी गया। बहराइच में रामपुरवा चौकी क्षेत्र के गड़ामार गांव में प्रधान प्रतिनिधि समेत 3 लोग कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए। दरअसल हाईवे पर अचानक गड्ढा आने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई, लेकिन गनीमत रही सबकी जान बच गई। बहराइच जिले के थाना बौंडी में बाढ़ का पानी थाने में घुस गया, बावजूद इसके सिपाहियों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे को सलामी दी। आपको बता दें कि जिले की 3 तहसीलें इस समय बाढ़ की चपेट में है। रामपुर में नवाब गेट निवासी उमर खान ने XEN भीष्म कुमार और जे काम रूस जमा आसिफ के विरुद्ध मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दर्ज कराया है। अदालत ने पुलिस से मामले की रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई 7 सितंबर मुकर्रर की है। पीड़ित का आरोप है कि बिजली कनेक्शन के नाम पर जेई और XEN उनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे।
सीतापुर में थाना इमलियत सुल्तानपुर के काजी कमालपुर गांव के निर्माणाधीन मकान में करंट उतरने से 5 लोग चिपक गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मकान में बनाने के लिए सरिया मोड़ने का काम चल रहा था, तभी सरिया बिजली के तार से टकरा गई और एक के बाद एक 5 लोग करंट की चपेट में आ गए। फिरोजाबाद जिले में जसराना विधानसभा के सभा सांसद सुनील यादव और बॉबी और अमित चौहान का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उल्टा झंडा फहराने की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसकी लोग निंदा भी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में थाना ईसानगर क्षेत्र के गांव में कुछ बदमाशों ने एक 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को एक खेत में फेंक दिया। गौरतलब मृतक के परिजनों ने 2 बदमाशों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिनको पुलिस ने धर दबोचा है। मेरठ में थाना परतापुर क्षेत्र के उद्योगपुरम इलाके में स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली कंपनी विनय स्पोर्ट्स में भीषण आग लग गई, जिसमें करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि दूसरे जिलों से अग्निशमन की गाड़ियां बुलाई गई, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया गया। फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में मीरकपुर मोहल्ले की एक नाली में नवजात शिशु की लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फतेहपुर जिले के जूनियर चौराहे पर मौजूद देशी शराब के ठेके पर स्वतंत्रता दिवस के बावजूद धड़ल्ले से शराब बेची गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये शख्स शराब की बिक्री कर रहा है। हमीरपुर जिले में थाना विवार क्षेत्र के महेरा गांव में 60 साल की वृद्ध महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग महिला की हत्या उसके ही भतीजे ने की थी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।